खुलम्बाई नमस्ते, मैं बंदिता आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आप लोग शायद ठीक ही होंगी, हम लोग भी बढ़िया हो। तो आज मैं बना रही हूँ बेम्बू सूट। बेम्बू सूट के साथ मैं बनाऊँगी ब्रॉयलर चिकन। तो आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो देख सकती हो, आप लोग ख़त्म होने तक देखते जाना कैसे बनाती हूँ मैं। तो बेम्बू सूट को मैंने अच्छे से धो लिया साफ करके। तो इसके बाद मैंने ऊपर के हिस्से वाले को काट दिया साफ करके। काटना होगा ऊपर के हिस्से वालों को। तो इसके बाद ही मैंने छोटे छोटे पीसों में काटूंगी। तो ऐसे ऊपर का सिल्का उठाना होता है। तो इसके बाद मैंने छोटे छोटे पीसों में काटूंगी, पतला पतला पीसों में काटूंगी ताकि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गया है, तो मैंने डाल दी हूँ यहाँ पे प्याज। पहले मैंने यहाँ पे चिकन को फ्राई करके लूँगी अच्छे से। ये रहा ब्रॉयलर चिकन। इसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे के अच्छे से चिकन को फ्राई करके लूँगी। पहले तो इसके बाद मैंने चिकन को ढक्कन देकर थोड़े टाइम के लिए अच्छे से फ्राई करूंगी। तो इसके बाद मैंने ग्रेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट रखा था। तो इसमें चिल्ली और जिंजर गार्लिक ब्लैक पेपर और सीजन पेपर एक साथ मिला कर लिया। तो एक साथ ही ग्रेन करके लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से चिकन भी फ्राई हो चुका है। तो ये रहा, अच्छे से फ्राई भी हो गया चिकन। तो इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में ये बेम्बू सूट को अच्छे से फ्राई करके लूँगी थोड़े टाइम के लिए। तो इसके बाद डालूँगी खार, थोड़ा सा ऑर्गेनिक खार डालूँगी। नमक भी डाल दिया। तो इसके बाद मैंने ढक्कन देके थोड़े टाइम के लिए अच्छे से फ्राई करूंगी। जो इसका अपना पानी होता है ना, वो सूखने तक मैंने अच्छे से फ्राई करके लूंगी। तो इसके बाद ही मैंने पानी डालूंगी, जितना चाहिए होता है उतना ही डालूंगी पानी। तो ये रहा, पानी देना भी हो गया। बाद अच्छे से पानी उबलने तक ढक्कन देकर रखूंगी। तो यहाँ पे अच्छे से पानी भी उबल आ चुका है। तो यहाँ पे डालूंगी मैंने अभी चिकन। चिकन देने के बाद मैंने जो ये चावल का आटा बना कर रखा था ग्राइंड करके, जब मिक्स करके बनाया था, चिल्ली जिंजर गार्लिक सब पेस्ट बना कर रखा था मैंने, तो ये एक साथ डाल दिया।
अब डालूंगी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर देने के बाद थोड़ा टाइम के लिए रख दूंगी गाढ़ा होने के लिए। तो ये रेसिपी थोड़ा गाढ़ा होने के बाद ही बन ही जाएगा। तो ये रहा आज का रेसिपी, गाढ़ा भी बन गया है, पक चुका है। तो बेम्बू सूट चिकन और राइस फ्लोर देकर बनाया गया रेसिपी। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग नया आया है। तो आज से ही भी खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय बाय।